अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ स्टू। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, टमाटर 2 अदद कटे हुए, अदरक लहसुन 1/2 इंच अदरक और 5-6 जुए लहसुन के, 2 टेबल स्पून दही, बाकी ये खुश्क मसाला है जिसमें लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, हल्दी, कुटी हुई मिर्च, नमक, काली मिर्च, 2 प्याज और 1 किलो गोश्त। और मैंने यहाँ पे ऑयल डाला हुआ है ऑलमोस्ट 1/2 कप। इसको थोड़ा गर्म होने देंगे, ऑलमोस्ट ये हो चुका है। अब मैं इसमें सबसे पहले प्याज डालूंगी। इसको हमें सिर्फ नहीं करना, गोल्डन फ्राई नहीं करना, सिर्फ सौते करना है। इसको मैंने कुछ सेकंड प्याज के साथ चला लिया है, अदरक और लहसुन को। अब मैं इसमें शामिल करूंगी ये सारे जो सूखे मसाले थे, जिसमें इलायची, बड़ी छोटी इलायची, दालचीनी, गर्म मसाला है, बाकी कुटी मिर्च, हल्दी, नमक और साबुत लाल मिर्च। इसको भी थोड़ा सा हम चला लेंगे। असल में इस रेसिपी का जो भी ये सारी हैं, उनके सबके अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट स्पाइसेस ज़्यादा यही होते हैं। अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा चलाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे अब गोश्त। तो हम भूनेंगे इस मसाले के साथ, हमने भी सारे मसाले शामिल किया है। तो मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये जो टमाटर हमने काटे थे, इसको भी हम चला लेंगे। थोड़ा सा इसको चलाने के बाद जब अच्छे से मिक्स हो जाए, तो मैं इसमें दही शामिल करके इसको गलने के लिए रख दूँगी। अमूमन मैं इसमें पानी नहीं डालती, ये अपने ही पानी में मैं धीमे आंच पे क्योंकि पकाती हूँ, तो ये धीमे ही आंच पे ये गल जाता है। और अगर आपको ज़रूरत लगे भी तो आप 1 कप पानी डाल के इसको धीमे ही फ्लेम पे इसको स्लो टू मीडियम हाई, यानी मीडियम से भी बल्कि कम पे आप इसको रख के ढक के अच्छी तरह छोड़ोगे तो ये गल जाएगा। इसमें मैं दही भी शामिल कर चुकी हूँ। अब इसको मैं अच्छी तरह 2 से 5 मिनट फिर से भून के, और मैं इसको ढक्कन ढक के इसको छोड़ दूँगी। ये तकरीबन 1 से 1.5 से 2 घंटे में ये आराम से तैयार हो जाएगा। चलिए मिलते हैं उसके बाद। मैं देखती हूँ जी, इसकी फाइनल ऑलमोस्ट फाइनल लुक है, भून चुका है, गल भी चुका है बहुत अच्छी तरह। तकरीबन 2 घंटे, तकरीबन कुछ कम नहीं होगा। बस अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया हमने डाल के इसको बंद कर दिया। कुछ लोग इसको थोड़ा शोरदार सा भी रखते हैं, लेकिन ये ऐसे ही बनता है थोड़ा खुला है। लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा सा 1/2 कप ग्लास आप इसमें पानी डाल के हल्का सा भी डाल सकते हैं।